हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जयरफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गोदारा। और गाइज, जैसे ही यूजीसी नेट का फॉर्म रिलीज हुआ है तो सीएसआईआर नेट वाले बच्चे भी बहुत एक्साइट हो रहे हैं और उन्हें भी अब बेसब्री से इंतज़ार है कि कब उनका सीएसआईआर नेट का भी फॉर्म रिलीज करेगा एनटीए। सो गाइज, आपका वेट ज़्यादा देर का नहीं है। प्रोबेबली 10-15 दिन के अंदर अंदर सीएसआईआर नेट का भी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन है, वो आ जाना चाहिए। नाउ अभी यूजीसी नेट वाले नोटिफिकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस इस बार हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग सीएसआईआर नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहाँ अभी ज्वाइन करने पे आपको कंप्लीट कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए 12 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। ये है यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन, जो 20th ऑफ अप्रैल से लेकर के और 10th ऑफ मई तक इनके लिए फॉर्म्स खोले गए हैं। और जनरली सीएसआईआर नेट का जो नोटिफिकेशन है वो यूजीसी नेट के करीब 10-15 दिन के बाद में आता है जनरली हर बार। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय अप्रैल एंड या फिर जो मई का फर्स्ट वीक है, तब तक हमारा भी नोटिफिकेशन, सीएसआईआर नेट का भी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नाउ इस बार जो यूजीसी नेट का फॉर्म निकला है, इसके साथ में काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो ऑलरेडी एनटीए डिक्लेयर कर चुका था कि इस बार एक थर्ड कैटेगरी और ऐड हो गई है। पहले दो कैटेगरीज थी जिसके अंदर जेआरएफ और नेट वाली दो कैटेगरीज थी। इस बार जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, एक और ऐड हुई है जिसके अंदर एडमिशन टू पीएचडी के लिए अलग से एक और कैटेगरी बना दी गई है। ये एक अच्छी न्यूज़ है जो ऑलरेडी हमें मिल चुकी थी। इसके अलावा अब ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसने काफ़ी धमाल मचाया हुआ है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के माइंडसेट में हैं। कुछ को ये बहुत अच्छी चेंजेस लग रहे हैं, कुछ को सही नहीं लग रहा है। जो पहले सीबीटी मोड में ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा था, कोविड टाइम के बाद से ही सीबीटी मोड चालू हो चुका था। नाउ जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, सीबीटी मोड एक अच्छा ही चेंज था उस टाइम। लेकिन ऐसा देखा गया है कि काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ में काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे सीबीटी मोड में। कई बार टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, स्क्रीन नहीं काम कर रहा है या फिर हैंग हो गया है कंप्यूटर। इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे और ये बच्चों को एक मेंटल प्रेशर उनके अंदर क्रिएट कर दे रहे थे। अगर सपोज कोई टेक्निकल इशू आ गया और 10-15 मिनट के लिए आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, तो बच्चे के लिए वो 15 मिनट बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम होता है। और ये बहुत जनरली देखे जा रहे थे कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के आ रहे थे कंटिन्यूअसली सीबीटी मोड में। इसी वजह से शायद इसको जो है अब ओएमआर शीट या रिटन टेस्ट जो आपका होने वाला है, उस बेसिस पे कर दिया गया है वापस से। यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है दैट द एनटीए हैज़ बिन एंट्रस्टेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द टास्क ऑफ कंडक्टिंग यूजीसी नेट द टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके अलावा एडमिशन टू पीएचडी। दिस इज व्हाट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड। एंड 83 सब्जेक्ट्स के अंदर ये एग्जाम होगा इन ओएमआर, पेन एंड पेपर मोड। ठीक है, ओएमआर पेन एंड पेपर मोड के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ गुड चेंज। और जो भी प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, वो सबसे बच्चे अब बच जाएंगे। पहली चीज़ तो वो है। दूसरा, जब हम एक पेन एंड पेपर से कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फोकस ज़्यादा अच्छा बन पाता है, ज़्यादा अच्छे से हम क्वेश्चंस को रीड कर पाते हैं, उसके अंदर कुछ मार्क कर सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पेन एंड पेपर मोड के अंदर काफ़ी अच्छी रहती हैं, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके और अच्छी तरह से, जो कई बार सिली मिस्टेक्स जो हो रही थी ऑनलाइन मोड की वजह से, वो मिस्टेक्स भी अवॉइड होंगी। नाउ जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर कई बार हम नॉट या फिर इनकरेक्ट वाला जो एक छोटा सा वर्ड होता है, उसको पढ़ना भूल जाते हैं। जब हम पेन एंड पेपर मोड में कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर। मैं बच्चों को यही सजेस्ट करती थी पहले। इस बार ये चेंज वापस से हो चुका है। नाउ कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ऑनलाइन मोड था उसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, बट व्हाट आई फील इज़ कि ओएमआर शीट वाला पेन एंड पेपर मोड है, उसके भी काफ़ी अपने अच्छे एडवांटेजेस हैं, जिसके अंदर अच्छा फोकस बनता है, आपका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर होता है, आप टेक्निकल इश्यूज से बच जाते हो और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता वहाँ पे। इस तरह के काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इस बार एनटीए ने बहुत ही मेजर ड्रास्टिक चेंजेस ओवरऑल इस एग्ज़ाम के अंदर किए हैं। सबसे पहले तो जो एक थर्ड कैटेगरी का ऐड कर दे
ना उसके बाद में वापस से जो सीबीटी मोड था उसको पेन एंड पेपर मोड के अंदर ले आना। सो ये सभी चेंजेस जो यूजीसी के अंदर अप्लाई हुए हैं जनरली सेम ही रेसिप्रोकेट आपके सीएसआर नेट के अंदर भी होने चाहिए। सो सीएसआर नेट में भी मुझे लगता है कि ये सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साइमल्टेनियस एग्जाम्स हैं। और जो यूजीसी नेट है उसके अंदर नॉन साइंसेस सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं और सीएसआर नेट के अंदर साइंस वाले सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। सो आई फील यही सब जो चेंजेस हैं ये हमारे सीएसआर नेट के एग्जाम के अंदर भी अप्लाई होंगे। और इनका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 16th of June डिक्लेयर किया गया है। सो आई होप जो सीएसआर नेट का डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं जून लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। जनरली संडेज को एग्जाम कंडक्ट होता है क्योंकि सेंटर्स की भी ज़रूरत होती है। सो हो सकता है 23rd June या फिर 30th of June, ये जो दो संडेज हैं इसमें से किसी एक संडे को आपका एग्जाम हो सकता है सीएसआर नेट का भी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अदरवाइज वी विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन, जिससे हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि ये जो भी चेंजेस यूजीसी नेट के अंदर हुए हैं ये सीएसआर नेट के अंदर भी अप्लाई एनटीए करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है। और हमारा भी जो एग्जाम है सीएसआर नेट का भी जो एग्जाम है वो भी पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है या फिर नहीं। सो लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन एंड होपफुली अप्रैल एंड तक जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए। 10-12 दिन का जो गैप है या फिर May 1st week में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमें ज़्यादा बेटर पता लग पाएगा कि क्या क्या चेंजेस सीएसआईआर नेट के अंदर एनटीए करता है। सो गाइज दैट इज ऑल एंड होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप जो ये चेंजेस हुए हैं ये आप लोगों के लिए कुछ एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, आप लोगों के लिए पॉजिटिव आउटकम होगा इसका, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो और बेटर होगा। सो आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है, अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि सीएसआर नेट के एग्जाम के अंदर अगर हम देखें पर्टिकुलरली तो टाइम मैनेजमेंट ही की पॉइंट है जो आपको सिलेक्शन दिला के जाता है। नॉलेज तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो है ही, जो आपको सारी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके सिलेक्शन को इम्पैक्ट करता है। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड लेट्स वेट फॉर आवर नोटिफिकेशन कि कब हमारा नोटिफिकेशन आ सकता है। आप लोग उसके कोई और डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपकी कोई राय है इसके बारे में, सीबीटी मोड होना चाहिए या फिर जो पेन एंड पेपर मोड होना चाहिए उसके बारे में आपका क्या कहना है वो भी ज़रूर कमेंट करके हमसे शेयर कीजिएगा।